हे गाइस दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गी एक्सटेंट तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप रेडियो ग्रुप कैसे लगाओगे रेडियो बटन कैसे लगाओगे स्विच केस कैसे लगाओगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे सो लेट्स बिगिन गोल हो चुका है ठीक है और अपने आप उनको गोल से नहीं भटकना आपका एक सपना बन चुका है कि तो मेरे को एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखना है मेरे को वेब डेवलपमेंट सीखना है yeah. मेरे को मशीन लर्निंग सीखना है डेढ़ से दो महीने मेरे चैनल के साथ बने रहो और फिर आप देखो अपना लेवल कहाँ तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है रेशियो स्विच करके आप कोई भी नेम से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो आज अपन रेडियो ग्रुप देखने वाले हैं तो आप एम एक्टिविटी सेलेक्ट करके मैंने कई बार अपने ट्यूटोरियल में बता दिए कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो आप यहाँ से हम खोलते हैं देखो वीडियो थोड़ी सी जल्दी जल्दी मैं काम करने की कोशिश करूँगा क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो तो आप लोग बोलते हो कि बहुत बड़ी वीडियो हो गई थी और इसलिए मैं जल्दी जल्दी आज काम करने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हो ये सब काम मैंने को पहले बता दिया हुआ है तो हमने दोनों अपनी फाइल अभी आप यहाँ देखोगे तो हमने दोनों फाइल अपनी खोल ली है एक मेन एक्टिविटी और एक एक्टिविटी मेन डॉट एक्स एम एल मतलब दोनों फ्रंट एंड यहाँ आई के आइकन पे जा आप शो लेआउट डेकोरेशन कर लो क्योंकि ये इतना वो कोई जरूरी काम तो नहीं पर कर लेना चाहिए मेरा कुछ भी नाम आ रहा है रेसियस वह चाप का जो आप रखना चाहो वो आएगा अभी मैं ये टेक्स्ट व्यू हटा देता हूँ क्योंकि आज मुझे रेडियो बटन में काम करना है कंस्टेंट लेआउट को मैं हटा के मैं लीनियर लेआउट कर देता हूँ uh, मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बता चुका है कि कब कौन सा लीनियर लेआउट कौन सा यूज़ करते हैं अगर आपको uh, देख अगर आपको नहीं अभी तक पता है तो आप ज़रूर जाके वो वीडियो देखो तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अब यहाँ पर आते हैं हम यहाँ पर लगाते हैं अपनी रेडियो बटन ठीक है रेडियो बटन लगाने के लिए कुछ नहीं करना सिंपली हमने खोला आप में ये ब्रैकेट और फिर हमने लिखा आर ए ठीक है इतना बस लिखा हमने रेडियो बटन ठीक पहले हम रेडियो बटन लगा रहे फिर मैं आपको बताऊंगा कि रेडियो बटन के बाद रेडियो ग्रुप लगाने या ना लगाने से क्या होने वाला है तो हमने ये देखो ब्रैकेट क्लोज कर दिया वथ्थ में दे देता हूँ इसकी रैप कॉन्टेंट और मैं इसकी हाइट भी दे देता हूँ रैप कंटेंट तो क्या हमें अभी अपना स्विच दिखाई दे रहा है रेडियो बटन अभी छोटी सी इतनी सी दिखाई दे रही अब एक इसमें टेक्स्ट रखते हैं हम देखो बेसिकली आज करने के वाले हैं जैसे हमारे पास चार स्विच बटन होगी रेड ब्लू येलो ग्रीन तो जैसे ही हम उस पर स्विच करेंगे तो हमारा ये जो बैकग्राउंड वाइट कलर दिख रहे ना तो ये ब्लू हो जाएगा ये ग्रीन हो जाएगा तो ये हम एक चीज़ बनाने वाले हैं मान के चलो एक ऐप अपना ये बनाने वाले हैं तो हमने क्या लिखा टेक्स्ट लिखा सॉरी स्मॉल पे लिखो टेक्स्ट uh, देखो मैं एक चीज़ ये बोलना चाह रहा था कि जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग हर जगह करता हूँ और हर जगह माइक पे भी ध्यान देना पड़ता है तो कोड लिखने में हो सकता है कि कहीं पे मुझे सोचना पड़ जाए या लॉजिक लगाना पड़ जाए क्योंकि कोई चीज़ मैंने रटी तो है नहीं इसलिए थोड़ा कहीं कहीं टाइम लग सकता है तो उसके लिए आप उसको माफ़ मैं मेरे को माफ़ करिए या फिर मैं सॉरी बोलता हूँ देखो आप यहाँ पर रेड दिखाई दे रहा है आपको ये बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है एक काम करता हूँ मैं टेक्स्ट साइज़ इसका इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं कर लेता हूँ मान के चलो ट्वेंटी एस जब आप टेक्स्ट साइज़ लिखोगे तो आप एस पी का यूज करना और जब लेआउट विथ हाइट लोगे तो dp का ठीक है देखो आपन ने एक रेड लगा दिया अब अपन को ऐसी ग्रीन येल्लो ब्लू का चार अपन रेडियो बटन लगाते तो अपन ने इसको कॉपी किया और नीचे आके इसको पेस्ट कर दिया कॉपी किया मैं टाइम बचाने के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ आप हो सकता है कि आप बिगनर हो तो आप पूरा लिखो क्योंकि देखो लिखने से प्रैक्टिस होगी ठीक है ये चार चीज़ें मैंने लिख दी अब देखो ये चीज़ अपन को एक ही रो पे दिखाई दे रही हम मुझे क्या करना है मुझे इसके नीचे चाहिए तो मैं क्या करूँगा आप याद करो मैंने लीनियर लेआउट में क्या बोला था आप यहाँ पर आओ और ओरियंटेशन लिख दो वर्टिकल तो देखो ये चारों चीज़ें अपने नीचे आ गई ठीक अभी ये पूरे टेक्स्ट सेम दिख रहे हैं मैं यहाँ पर जल्दी से लिख देता हूँ ब्लू स्पेलिंग अगर गलत हो तो उसके लिए माफ़ करना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लो अभी देखो कोई बहुत अच्छा सा ऐप नहीं बनने वाला पर सीखने के लिए अच्छी चीज़ है ये ठीक है अपन को देखेंगे अगर आगे कहीं आपके डेवलपमेंट पे यूज़ आया तो आप कर सकते हो ठीक है येल्लो की जगह मैं दे देता हूँ ग्रीन ठीक है अब क्या करना है ये चलो अपना फ्रंट एंड वाला काम चलो हो गया अपना अभी लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ अभी आप ऐप रन करोगे ठीक है अगर अभी आप ऐप रन करते हो तो वो क्या करेगा सिर्फ आपको वो सिर्फ अभी जैसे आपने रेड पे स्विच किया तो वो रेड पे भी स्विच हो जाएगा मतलब एक बॉल सी आ जाएगी डॉट सी वो ब्लू पे करोगे ब्लू पे भी डॉट आ जाएगी येलो पे करोगे येलो पे भी ग्रीन पे करोगे ग्रीन पे भी डॉट आ जाएगी ठीक है तो इससे बचने के लिए अपने पास क्या है कि हम क्या कर सकते हैं ये ग्रीन पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है एक मिनट चलो ठीक है इसे रख देते हैं हाँ अब देखेगा आ, ग्रीन ठीक है देखो हम क्या करते हैं इसमें एक काम करते हैं हम कि रेडियो ग्रुप लगाते हैं इससे बचने के लिए तो रेडियो ग्रुप से मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि आ, हम सिर्फ एक बार में इन सब में से एक ही को स्विच कर पाएंगे तो देखते हैं कैसे लगाते हैं आपने ब्रैकेट ओपन किया देखो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करता हूँ नहीं तो वीडियो फिर लंबी हो जाएगी रैप कॉन्टेंट रखा रैप कॉन्टेंट रखा मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और देखो अब क्या करना है मुझे रेडियो ग्रुप कोई इसके के अंदर रेडियो ग्रुप के अंदर मेरे को सब चीजें लिखना मैंने ऐसे ब्रैकेट क्लोज किया और रेडियो ग्रुप ऐसे बंद किया अब देखो क्या है इस रेडियो बटन को आप यहां से यहां तक कॉपी करो इस रेडियो कॉपी करो और यहां से कट कर दो और इसके अंदर आके पेस्ट कर दो ठीक है अब मेरी बात सुनना अब अगर आपने रेड पे चूज़ किया तो बॉल रेड पे रहेगी डॉट या बॉल जो भी मान के चलो अब आपने फिर येलो पे चूज़ किया तो रेड से उठ के येलो पे आ जाएगी तो समझ रहे हो कहीं पे अगर फॉर्म में अपन को लिखा है कि मेल या फीमेल चूज़ करना आपने मेल पे चूज़ किया और फीमेल पे भी चूज़ किया तो अगर अपन रेडियो ग्रुप नहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो दोनों पे डॉट आ जाएगी मतलब दोनों चूज़ हो जाएंगे और रेडियो ग्रुप यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही चूज़ होगा आप एक काम करना पहले बिना रेडियो ग्रुप के ऐप चलाना और फिर रेडियो ग्रुप के ऐप चलाना ठीक है अब अपनी अपन ये वाला काम अपना फ्रंट एंड वाला हो गया अब अपन मेन एक्टिविटी में आते हैं ऐप कॉम्पैक्ट के नीचे हम रेडियो ग्रुप अपना पहले एक वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मैंने ये लिखा यहाँ पे सेमीकलन दिया यहाँ फिर इसके नीचे आया मुझे अब इनिशलाइज़ करना है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ रेडियो ग्रुप आ, फिर मैं लिखता हूँ डॉ इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आई डी फाइंड व्यू बाई आई डी ठीक है आर डॉट आई डी डॉट अब देखो एक चीज़ यहाँ देखो हमने इस चीज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए वहाँ पे अपने फ्रंट एंड पे आईडी ही नहीं दी और जब अपने आईडी ही नहीं दी तो हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे तो हमें यहाँ रेडियो ग्रुप की आईडी देना पड़ेगा तो हमने आईडी दी जैसे आर डी जी दे दी ठीक है कुछ भी आप आईडी अपने मन से दे सकते हो मैंने यहाँ पर इस बटन की भी देना पड़ेगा क्योंकि बटन को भी हमने वहाँ पर इनिशियलाइज़ करना है तो मैंने आर डी बी वन दे दिया मैं टाइम बचाने के लिए इसको पूरे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके दूसरे वाले में पेस्ट करता हूँ तीसरे वाले पे पेस्ट करता हूँ अभी देखो आपको कहीं पे लाइन एरर दिखा रही होगी क्यों दिखा रही होगी क्योंकि हम सब का नाम सेम ही रख सकते हैं तो सबसे नीचे वाले का फोर रख देते हैं इसका रख देते हैं थ्री आ, थ्री रख देते हैं और इसका रख देते हैं टू ठीक है अब हमारा पूरा फ्रंट एंड वाला काम अभी आप देखोगे तो फ्रंट एंड वाला काम हो चुका मेन एक्टिविटी जावा पे आते हैं ये अपनी इनिशियलाइज करने के लिए आपने आर डी जी दी थी तो ये आर डी जी से आप इसको इनिशियलाइज कर दोगे ठीक है अब इसके नीचे आने के बाद हम लिखते हैं अपना रेडियो ग्रुप ठीक है ये जो हमने वेरिएबल बनाया है तो अब लिखते हैं सेट ऑन ठीक है चेंज करना है ना मेरे को ये चेक चेंज लिखना देखना है मुझे क्या चेंज करना है तो मैंने ये लिखा सबसे ऊपर वाला देखो मेरे को सब सजेशन आ रहे हैं मेरे को सिर्फ लिखते जाना है ऐसी आपको भी आएंगे आपको भी बस लिखते जाना है रेडियोग्राफ डॉट ऑन चेक ये पहला वाला आपको चूज कर देना चुपचाप से और ये देखो ये आपका इतना सारा कोड लिख के आ गया ये देख रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ये सिर्फ लिख के आ रहा है ठीक है अब अपन क्या करते हैं अब स्विच केस लगाते हैं कि पहले रेड पे हुआ तो वो लगाने वाले हैं ठीक तो मैंने लिखा स्विच अब देखो मेरी इंट आईडी जो ये है ना चेक आईडी अब मुझे ये चेक आईडी डी यहाँ देनी पड़ेगी स्विच केस लगाने के लिए तो मैंने इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे आके कर दिया पेस्ट देख रहे हो कितना सिंपल काम है अब सिर्फ हम करते हैं ये खोलते हैं अपनी ये स्विच केस की आईडी डी आ, फिर उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा हाँ देखो हमने जो वहाँ पे पहले तो के स लिखते हैं फिर आपको और आगे समझाता हूँ हमने वहाँ पे देखो इस रेडियो बटन की आईडी दी थी अभी तक हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया जैसे हमने ग्रुप की की थी तो हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ करते तो आर डॉट आई डी डॉट लिखते हैं फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं हमने आर डी बी वन दे देते हैं बी वन पहले वाले को बी वन दी थी अब देखो अब कलर कैसे चेंज करना है ये वाला कोड ध्यान से देखो गेट विंडो डॉट Decor डू हाँ यही वाला देखो थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह या प्रनाउंसिएशन वगैरह अगर कहीं पर दिक्कत हो तो वो आप देख लेना बैकग्राउंड कलर लेना है हमें बैकग्राउंड कलर लेने के बाद कलर देखो ये सब आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा कि आपको क्या अब कलर डॉट के बाद मैं इसका रख देता हूँ पहले वाले का मेरा रेड था मैंने रेड कलर रख दिया ठीक है अब देख रहा अब हमें स्विच केसेस में जैसे ब्रेक लगाना पड़ता है मैं हमेशा यही मालूम के चलता हूँ कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप फैमिलियर हो देखो ये यहाँ एरर दिखा रहे क्योंकि हमें यहाँ सेमिकुलर नहीं हमें ये लगाना है ठीक है स्विच केस में अब इसको मैं सिंपली करता हूँ कॉपी और मेरे पास चार कंडीशन है तो मैं क्या करता हूँ चार बार इसको कर देता हूँ पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट कितने बार सॉरी एक बार ज़्यादा बार हो गया तो मैं इसको हटा देता हूँ ठीक है इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ अब यहाँ पे देखो आर डी बी की जगह हम सबको आई डी बदलना है देख रहे हो कितना सिंपल काम है कि सिर्फ हमें कॉपी पेस्ट करना है और इसकी आई डी बदल देना है और हम कलर भी सबको सेम नहीं दे सकते तो दूसरा कलर हमारा क्या था हम यहाँ से देखें ब्लू है तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे बी एल यू ई ब्लू और यहाँ पे येलो और ग्रीन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ येल्लो येलो और ये यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन देखो एक अभी भी एक्स्ट्रा है तो उसको भी हम यहाँ से ऐसे कट करते हैं और हटा देते हैं ठीक है तो ये हमारा कोड पूरी तरीके से हो चुका है ये हमने बैकेंड अभी देखो एरर कहीं दिखा रहा है क्या एरर दिखा रहा है कि वन टू थ्री फोर हाँ सॉरी इसको करना है मुझे टू और इसको करना है मुझे थ्री देखो एरर ऐसे ही आते हैं आपको देखना पड़ता है कहाँ पे फोर ठीक है अब देखो अब एरर भी चला गया एक्टिविटी मेन डॉट एक्सम एल वाला काम भी हो गया सब कुछ हो गया अब आप अपना एरर फोन रन करते तो देखो मैं अभी फ़ोन अपना कनेक्ट कर लेता हूँ फिर आपको रन करके दिखाता हूँ कि ऐप अपना कैसे चल रहा है फिर लास्ट में बात करेंगे कि और क्या बारे में हमें बात करना है ठीक है अभी आप देख सकते हो कि मेरा फोन सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है अब इसको मैं चुपचाप से रन कर देता हूँ यहाँ देखो ग्रेडल बिल्ड रनिंग चालू हो गया है और जैसी ग्रेडल बिल्ड रनिंग होता है उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हो ये लोडिंग वगैरह ले रहा है और ये मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा तो अब मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन ही पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा ऐप कैसे वर्क कर रहा है देखो आ, चलो ठीक है अभी मोबाइल के ऐप की स्क्रीन पे चलते हैं फिर देखते हैं और हमें क्या क्या काम करने हैं तो ये यह यहाँ से इसको रन होने देते हैं और मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर ये देखो आप अभी मोबाइल की स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरा ये रेशियो स्विच मैंने थोड़ा स्पेलिंग गलत कर दी थी रेडियो स्विच लिखना था इसलिए मेरा यहाँ पे नेव बार पे ये स्पेलिंग गलत दिखा रही है अब अपन ऐप को अपने रन करके देखते हैं कि रेड स्विच पे अगर करते हैं तो रेड होता है कलर की नहीं देखो मैंने रेड पे किया ये देखो मेरा कलर रेड हो गया मैंने ब्लू पे किया मेरा कलर बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया मैंने येलो पे किया मेरा येल्लो हो गया मैंने ग्रीन पे स्विच किया मेरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया देखो अभी अगर आप इसको रेडियो बटन नहीं लगाते तो आप ग्रीन को करने के बाद अगर येल्लो पे करते ना तो ये येल्लो और ग्रीन दोनों पे ये डॉटा जाता ठीक समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं अगर आप जैसे रेडियो ग्रुप नहीं लगाते तो ये चारों पे ये आपका डॉट आ जाता पर रेडियो ग्रुप लगाने से ये सिर्फ हम एक ही पे क्लिक कर पा रहे देखो इस ऐप का को कोई यूज़ नहीं है पर ये है कि इस ऐप को आप आने वाले डेवलपमेंट में जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें आपका स्विच केस लग रहा है जिसमें आपकी रेडियो बटन लग रही है आपको फॉर्म बनाना है किसी के लिए जिसमें आपका स्विच केस लग रहा है तो ये सब चीज़ों से आप सीख सकते हो देखो डेवलपमेंट यही होती कि मैंने आपको बेसिक सही को उठाया कि आज अपन एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसमें अपने बैकग्राउंड कलर चेंज होंगे अब आपको यूज करने की आज मैंने स्विच केस आपको लगाने सिखा दिया अब आप कैसे इसका यूज करके और आगे कुछ कर सकते हो देखें आपने बैकेंड की कोडिंग में भी देखा होगा बहुत आसान है सब फंक्शन बने हुए हैं सिर्फ क्लिक क्लिक करना है तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही यार और ये वीडियो यूजफुल लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना एंड अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय